नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बांदा में पैसों के लिए कलयुगी बेटे ने पिता की थी निर्मम हत्या, पुलिस ने 36 घंटे में किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बीते दिन खेत की रखवाली करने गए अधेड़ उम्र के किसान का शव खून से लथपथ मिला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसका पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मरका थाना अंतर्गत पिंडारण गांव के खेत की रखवाली करने गए वृद्ध की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव खून से लथपथ खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसका 36 घंटे में खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि वृद्ध की हत्या उसके बेटे ने की है, जिसे भभुआ तिराहे से गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया उसने अपने पिता से 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे देने से मना कर दिया और उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिसे नाराज होकर कुल्हाड़ी और लाठी से पिता की निर्मम हत्या कर दी और कुछ दूर पर गेहूं के खेत में कुल्हाड़ी और लाठी फेंक कर भाग गया, जिसे बरामद कर लिया। अब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। 14/3/2024 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम पिंडारन के पास गेहूं के खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें 41/24 302 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी के क्रम में आज 10:45 बजे थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नीरज पटेल, जो मृतक का बेटा है, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। पूछने पर बताया कि उसने 1 लाख रुपए खेत की बटाई पर लेना था, उसको न देने पर अपने पिताजी की हत्या कर दी।